1967 में स्विज क्राइसिस को 11 बरस गुजर चुके थे। मिस्र ने नहर स्वेज को इसराइल के लिए बंद कर रखा था, लेकिन खलीजी अकबा ओपन थी, खुली हुई थी। तहम मई 67 में मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर ने यह समंदरी रास्ता भी यहूदी रियासत इसराइल के लिए बंद कर दिया। सहराए सीना में इसराइली सरहद के साथ 1,00,000 मिस्री फौज तैनात करती गई। शाम, उर्दन, लिबनान, इराक और सऊदी अरब ने भी मिस्र की कमान में इसराइल से जंग की तैयारियां शुरू कर दी। जमाल अब्दुल नासिर तकरीरों में कहने लगे थे कि यहूदियों को हमसे लड़ने का शौक है तो अहलन व सहलन, खुशामदीद, हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, जब इसराइल ने हमला किया तो क्या वाकई अरब तैयार थे? इस जंग में इसराइल ने 10,000 कब्रें क्यों खोद रखी थी? पाकिस्तानी पायलट अरब इसराइल जंग में क्या कर रहे थे? मैं हूं फैसल राइज और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज अरब इसराइल वॉर्स की तीसरी किस्त में हम आपको यही कहानी दिखाएंगे। पांच जून सुबह 7:45 पर इसराइल की 4 एयरबेसी से तकरीबन 200 लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी। इनमें से कुछ तैयारे तो जनूब की तरफ चले गए और रेड सी पर से चक्कर काट कर मिस्र की कई एयरबेसिस पर हमलावर हो गए। बाकी तमाम तैयारे बहिरे रोम मेडिटेरेनियन सी पर से निचली प्रवास करते हुए कुछ दूर तक गए और फिर मुड़कर मिस्र की तरफ आए और 4 अहम बेसिस पर उन्होंने हमला कर दिया। निचली प्रवास की वजह से मिस्री रेडार इन तैयारों को देख नहीं पाए। इन तैयारों ने एयरबेसिस के रनवेज और वहां खड़े तैयारे एक एक करके तबाह कर दिए। पहला हमला करने के बाद ये तैयारे फुर्ती से लौट गए, इसराइल से रीफ्यूल किया और नए हथियार लेकर वापस आए। फिर मजीद अरब एयरबेसिस की तरफ ये तैयारे गए और उन्हें भी तहस नहस कर दिया। ये तैयारे सहराए सीना पर से गुजरते हुए इसराइल वापस जाते थे। सहराए सीना में इन्हें एक एडवांटेज ये हासिल था कि मिस्री फोर्सेस के कमांडर जनरल अब्दुल हकीम आमिर एक ट्रांसपोर्ट तैयारे में सहराए सीना के दौरे पर निकले हुए थे। इनकी आमद की वजह से इलाके में तमाम मिस्री एयर डिफेंस यूनिट्स से कह दिया गया था कि वो किसी तैयारे पर फायरिंग ना करें ताकि गलती से अपने ही कमांडर का तैयारा ना कहीं गिरा बैठे। मिस्री यूनिट्स ने इस ऑर्डर पर अमल किया। इसी वजह से इसराइली तैयारों को सहराए सीना में बमबारी करने का खुला मौका मिल गया। उन्होंने यहाँ मिस्री एयरबेसिस की ईंट से ईंट बजा दी। तहम सहराए सीना के अलावा बाकी जगहों पर इन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और दुश्मन के बचे खुचे तैयारों का सामना बहरहाल करना पड़ा। पूरा दिन इसराइली तैयारों के हमले जारी रहे और मिस्री तैयारे तबाह होते रहे। इन तैयारों की तबाही की एक बड़ी वजह यह थी कि ज्यादातर मिस्री तैयारे एयरबेसिस पर ओपन ही खड़े थे, जिन्हें टारगेट करना आसान था। शाम होने तक मिस्र और उसके कंट्रोल वाले सहराए सीना में 300 से जायद मिस्री तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मलबे का ढेर बन चुके थे। औसतन हर 1 मिनट में 2 मिस्री तैयारे तबाह हुए थे। इनकी ज्यादातर एयरबेसिस मुकम्मल नाकारा हो चुकी थीं, यानी वहां से अब कोई तैयारा परवाज नहीं भर सकता था। इसराइली एयरफोर्स ने मिस्र के इत्तेहादियों उर्दन, शाम, लिबनान और इराकी एयरफोर्सेज पर भी हमले किए। उर्दन पर इसराइल ने हमला करके इसकी पूरी एयरफोर्स, जो तकरीबन 28 तैयारों पर मुश्तमिल थी, उसे मलबे का ढेर बना दिया। शाम की 75% एयरफोर्स तबाह कर दी। इराक के भी 20 से ज्यादा तैयारे इसराइल ने ब्लास्ट कर दिए, जबकि लिबनान का 1 तैयारा इन्होंने तबाह किया। वैसे आपको बताते चलें कि लिबनान ने इस जंग में अमली तौर पर कोई हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए इसराइली एयरफोर्स ने इसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। एयर अटैक्स के दौरान इसराइली तैयारों का सामना एक पाकिस्तानी पायलट से भी हुआ था। वो इस तरह कि एक बंगाली निजात पाकिस्तानी पायलट सैफुल आजम इराकी एयरबेस पर बतौर ट्रेनर मौजूद थे। उन्होंने एक इराकी तैयारा उड़ाया और इसराइल के 4 हमलावर तैयारे मार गिराए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि कोई और पायलट इतने इसराइली तैयारे कभी तबाह नहीं कर सका। पहले रोज इसराइली एयरफोर्स के कुल 26 तैयारे तबाह हुए, जिन्हें गिराने में मिस्री फौज का बुनियादी किरदार था। दूसरी तरफ अरब एयरफोर्सेस के 416 तैयारे तबाह हो चुके थे, जिनमें से 393 को तो उड़ान भरने का मौका भी नहीं मिल सका था। इसराइल का निशाना बनने वाले जहाज़ों में ज़्यादातर रूसी साख्ता मिग तैयारे थे। 5 जून की शाम तक इसराइली एयरफोर्स IAF को अपने अरब हरीफों पर मुकम्मल फिजाई बरतरी हासिल हो चुकी थी। हाँ, ये भी सच है कि मिस्री एयरफोर्स मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई थी।
इसके दर्जनों तैयारे बच गए थे, लेकिन ये इनके बेहतरीन तैयारे नहीं थे कि इसराइली जहाज़ों से डॉग फाइट कर सके। फिर भी इन्हीं बचे खुचे तैयारों से मिस्र ने इसराइली जहाज़ों से दिफा की जंग लड़ी। दोस्तों, इसराइली एयर फोर्सेस की इस बड़ी कामयाबी की एक वजह तो ये थी कि इनके पास तैयारे बहुत जदीद थे। जदीद फ्रांसीसी तैयारे यानी मेराज 3 इनके पास थे। ये तैयारा बमबारी और डॉग फाइट्स दोनों के लिए उस वक्त बेहतरीन था। इसके अलावा इसराइली इंटेलिजेंस के पास मिस्री तैयारों और उनके पायलट्स की मुकम्मल मालूमात मौजूद थी। वो पायलट्स को उनके नाम, रैंक्स और हत्ता के आवाज़ तक से पहचान सकते थे। इन्हीं मालूमात की रोशनी में यहूदी पायलट्स ने बरसों तक डमी टारगेट्स पर भरपूर प्रैक्टिस कर रखी थी। हर पायलट को अपने टारगेट से मुतल्लिक डिटेल्स अच्छी तरह याद थी कि इसके साथ इस ट्रेनिंग के साथ उसे अब नक्शे की ज़रूरत नहीं रही थी। इसके अलावा इसराइली एयरबेसिस के अमले को भी ये खास ट्रेनिंग करवाई गई थी कि वो हमले के बाद वापस आने वाले जहाज़ों को बहुत तेज़ी से नई प्रवास के लिए तैयार कर सकें। इसी तैयारी की वजह से इसराइली तैयारे एक दिन में अरब तैयारों की निस्बत 2 गुनी डबल परवाजें करने के काबिल हो गए थे। फिर कुछ इसराइली तैयारों ने हमले के शुरू में ही सहराए सीना में दाखिल होकर वहां नस्ब मिस्री रेडार्स के सिग्नल्स जैम कर दिए थे। और तो और, मिस्र के अंदर मौजूद इसराइली एजेंट्स ने भी अपना रोल प्ले किया था। इन्हें इसराइली इंटेलिजेंस ने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आलात दिए थे जिनकी मदद से उन्होंने काहरा और सहराए सीना के दरमियान सारी मिस्री कम्युनिकेशंस जैम कर दी थी। इन सब हरबों, टेक्निक्स और महारतों की वजह से इसराइली एयरफोर्स अपने अरब हरीफों पर भारी पड़ गई थी। लेकिन इसराइल को एक लकी चांस भी बहरहाल मिला था। वो ये कि मिस्री रेडार तो उसके तैयारों को नहीं देख पाए थे, लेकिन उर्दन का एक रेडार जो कि बरतानिया का बनाया हुआ था वो बहुत जदीद था। उसने इसराइली तैयारों को निचली परवाज के बावजूद मिस्र की तरफ जाते हुए डिटेक्ट कर लिया था। उर्दन से फौरी तौर पर यह खबर कोड वर्ड्स में मिस्र के दारुल हुकूमत काहरा भेज दी गई थी। ताहम इसराइलियों की खुशकिस्मती कि मिस्रियों ने सिर्फ एक दिन पहले ही उर्दन को बताए बगैर अपने कम्युनिकेशन कोड्स बदल दिए थे, इसलिए वो उर्दन का भेजा हुआ कोडेड पैगाम बरवक्त नहीं पढ़ सके। जब तक उन्होंने इसे पढ़ा तब तक इसराइली हमला मुकम्मल भी हो चुका था। मिस्र पर एयर स्ट्राइक शुरू करने के 15 मिनट बाद ही सुबह 8 बजे यहूदी फोर्सेज ने पूरी ताकत से ज़मीनी हमला भी शुरू कर दिया। उन्होंने कम से कम 3 मुकाम से सहराए सीना और मिस्री कंट्रोल वाली गजा की पट्टी पर धावा बोला था। इनका पहला टारगेट सहराए सीना का अहम शहर अलाइश था। यहूदी फोर्सेज गजा सिटी के जनूब में खान यूनस पर हमलावर हुई और इस पर कब्जे के बाद अलरीश की तरफ उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी। तमाम रास्ते उन्हें मिस्री फौज की शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा। दोनों फौजों के पास बड़ी तादाद में टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थीं। लड़ाई में दोनों तरफ के बहुत से टैंक्स और गाड़ियाँ तबाह हुईं, लेकिन मिस्रियों का नुकसान बहुत ज़्यादा था। उन्होंने पसपा होकर पीछे हटकर अलरीश शहर के अंदर पोजिशन ले ली। अब अलरीश यहूदी फोर्सेस के सामने था, लेकिन इस पर हमला करना आसान नहीं था। मिस्री फौजियों ने शहर की अहम सड़कों को ट्रक खड़े करके ब्लॉक कर दिया था। हर खिड़की और हर छत पर मिस्री फौजियों ने पोजीशंस ले रखी थीं और दुश्मन का इंतज़ार कर रहे थे। इन हालात में इसराइलियों ने अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को आगे बढ़ाया। टैंकों ने सड़कों पर खड़े हुए ट्रकों की लाइन को तोड़ते हुए फोर्सेज के लिए रास्ता बना लिया। अब पैदल इसराइली फौज ने बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों की आड़ में शहर में दाखिल होना शुरू कर दिया। मिस्रियों को इसी बात का इंतज़ार था। उन्होंने दुश्मन पर फायर खोल दिया। गलियों और घरों से इसराइली फोर्सेस पर गोलियां बरसने लगी। मिस्री फौजी बुलंदी से दुश्मन की फौजी गाड़ियों में ग्रेनेड भी गिराते जाते थे। जब ग्रेनेड धमाके से फटता तो फौजियों के मरने के साथ गाड़ी भी नाकारा हो जाती। इससे बचने के लिए इसराइलियों ने यह तरीका अपनाया कि वो मिस्रियों के फेंके हुए ग्रेनेड को फटने से पहले ही वापस मिस्रियों पर उछाल देते थे। इस तरह कई मिस्री फौजी भी मारे गए। कई घंटों तक शहर में शदीद लड़ाई होती रही। इसराइली फौजी एक एक गली को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने शहर को पूरी तरह घेर रखा था, इसलिए मिस्रियों को कोई बैरूनी मदद नहीं मिल रही थी। इसराइलियों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उनकी एयरफोर्स मिस्री तैयारे तबाह करने के बाद अपने ज़मीनी दस्तों की मदद के लिए पहुंच चुकी थी। इसराइलियों के शदीद फजाई और ज़मीनी हमलों के सामने घेरे में आई हुई मिस्री फौज कामयाब नहीं हो सकी। कई घंटों की शदीद लड़ाई के बाद इसराइलियों ने अलरीश पर कब्जा कर लिया। ज़्यादातर मिस्री फौजियों ने हथियार डाल दिए, जबकि बहुत कम फौजी फरार होने में कामयाब हुए। अलरीश के अलावा गजा सिटी में भी इसराइलियों को शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा। यहाँ जंगजू तंजीम फ़लस्तीन लिबरेशन आर्मी के जवान मौजूद थे। जब इसराइली फोर्सेस ने गजा सिटी पर हमला किया तो फ़लस्तीनियों की शदीद फायरिंग से 70 यहूदी मारे गए थे।
इसराइलियों ने पीछे हटकर अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और फिर अगला हमला कर दिया। इस अटैक में फलस्तीन लिबरेशन आर्मी के कुछ जवान मारे गए, कुछ गिरफ्तार हुए और बहुत से अपना असलाह छोड़कर आम शहरियों में घुल मिल गए। यानी इसराइलियों ने अल अरीश के बाद दूसरा अहम शहर यानी गजा पहले ही दिन कब्जे में ले लिया था। मिस्र के खिलाफ यहूदियों का तीसरा टारगेट अबू अजीला का मुकाम था। ये एक रोड जंक्शन था जहां कुछ अहम सड़कें आपस में मिलती थीं। सराय सीना में पेशकदमी के लिए ये पॉइंट बहुत अहम था। यही वजह थी कि मिस्री फोर्सेस ने इसकी हिफाजत के लिए ज़बरदस्त इंतजाम कर रखे थे। यहां 16,000 मिस्री फौजी तैनात थे जिनके पास 90 टैंक्स और 80 तोपें थीं। यहाँ मिस्री फौज ने बड़े मजबूत मोर्चे बना रखे थे। हर मोर्चे के आगे 1,000 फीट तक बारूदी सुरंगें थीं, माइंस बिछी थीं। इन माइंस के आगे खारदार तारों, बॉब्ड वायर्स का एक जाल भी फैला हुआ था। यहाँ से साथियों अब वो बैटल शुरू होने जा रही थी जिसने इस पूरी जंग, इस वॉर का फैसला कर दिया। मैक्यूरस फेलोज अबू अजीला पर हमले के लिए जिस इसराइली कमांडर को भेजा गया था वो थे ब्रिगेडियर जनरल एरियल शेरोन। जी हाँ, वही एरियल शेरोन जिन्होंने 11 इयर्स पहले सहराय सीना में मेतला पास पर कब्जा करके यहूदी फोर्सेस के नहर स्वेज तक पहुंचने की राह हमवार की थी। ये कहानी आप हमारी पिछली वीडियो में जान चुके हैं। एरियल शेरोन को इसराइली फोर्सेज में सबसे तजर्बाकार एक्सपीरियंस्ड कमांडर समझा जाता था। वो मिस्री फोर्सेस की ट्रेनिंग और लड़ने के अंदाज को अच्छी तरह समझते थे। उन्हें ये गुर की बात मालूम थी कि मिस्री फौजी रात के वक्त बेहतर अंदाज से नहीं लड़ सकते। चुनाचे उन्होंने अबू जीला पर चढ़ाई के लिए दिन ढलने तक इंतजार किया। 5 और 6 जून की रात 10 बजे हमला शुरू हुआ। इसराइली तोपखाने ने मिस्री पोजिशंस पर महज 20 मिनट में 6,000 गोले फायर कर दिए। इसके बाद पैदल दस्तों और टैंकों ने एक साथ अटैक किया। एरियल शेरोन ने अपने दोस्तों को सामने की तरफ से भेजने के साथ साथ दोनों अतराफ से भी हमला करने का ऑर्डर दिया था क्योंकि यहाँ मिस्रियों की पोजीशन ज़्यादा कमज़ोर थी अतराफ में। फिर चौथी तरफ यानी मिस्री पोजीशंस के 4 किलोमीटर पीछे भी इसराइली फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर से दस्तों को उतार दिया। इस तरफ मिस्री तोपखाना तैनात था। इसराइली फोर्सेस ने यहाँ पर ज़्यादातर मिस्री तोपों को तबाह कर दिया और यहाँ का मिस्री अमला या तो मारा गया, कुछ ने सरेंडर कर दिया और कुछ भागने पर मजबूर हो गए। इसके बाद इसराइली पैराट्रूपर्स ने बैक साइड से ही उन मोर्चों पर भी हमला कर दिया जिन पर 3 अतराफ से पहले ही हमला हो रहा था। पैराट्रूपर्स ने एक और काम ये किया कि अपनी सर्च लाइट्स ऑन करके इन्हें मिस्री मोर्चों पर फोकस कर दिया। इस तरह मिस्री फौजी रोशनी में साफ नजर आने लगे जबकि इसराइली फौजी सबके सब अंधेरे में रहे। इसी वजह से मिस्री उन्हें टारगेट नहीं कर पा रहे थे जबकि इसराइलियों के लिए वो एक आसान टारगेट बन गए थे। सुबह होने तक अबू जिला की अहम तरीन दिफाई पोजीशन पर इसराइली फौज का मुकम्मल कब्जा हो चुका था। इस लड़ाई में 40 इसराइली फौजी हलाक और 140 जख्मी हुए जबकि मिस्रियों को कम अज कम 2,000 जवानों का नुकसान उठाना पड़ा था। सैकड़ों फौजी गिरफ्तार और बाकी फरार हो गए थे। अबू जिला की लड़ाई दोस्तों इस जंग का टर्निंग पॉइंट था। जब इसकी इत्तला मिस्र के दारुलहुकूमत काहिरा पहुंची तो मिस्री कमांडर अब्दुल हकीम आमिर के हाथ पांव फूल गए। उन्हें यकीन हो गया कि अगर मिस्री फौज सहराय सीना में अब ज़्यादा देर ठहरी रही तो उसका मुकम्मल सफाया हो जाएगा। चुनाचे उन्होंने फौरी तौर पर अपनी फौज को सहराय सीना खाली करके नहर स्वेज की जानिब हटने का हुक्म दे दिया। ये इस बात का ऐलान था कि मिस्रियों ने सहराय सीना में शिकस्त तस्लीम कर ली है। अरबों का मिलिट्री लीडर और सबसे ताकतवर मुल्क जंग के दूसरे रोज ही 6 जून को नॉक आउट हो गया था। लेकिन दोस्तों इसराइली फोर्सेस ने इस भागती हुई मिस्री फौज को भी दोनों तरफ से घेरे में ले लिया। नक्शे में देखें कि नहर स्वेज की तरफ भागती हुई मिस्री फौज के सामने भी इसराइली फौज हेलीकॉप्टर्स के जरिए उतर कर खड़ी हो चुकी थी और इनके पीछे भी इसराइली फौज आ रही थी। फिर ऊपर से इसराइली तैयारे अलग से बमबारी कर रहे थे। इस बमबारी का नतीजा ये निकला कि सैकड़ों मिस्री टैंक्स और फौजी गाड़ियां तबाह हो गईं। हजारों मिस्री फौजी गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। इनमें से बहुत से गिरफ्तार और कुछ हलाक हुए। इस पसपाई के दौरान 700 टैंकों समेत मिस्री फौज का तकरीबन 80% असलहा तबाह हुआ या दुश्मन के कब्जे में चला गया। इस जंग में इसराइलियों के हाथ 10,000 सही सालम मिस्री गाड़ियाँ भी आ गईं। एक अंदाजे के मुताबिक इस जंग में तैयारों समेत मिस्र का मिलिट्री नुकसान $2 अरब 2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का था। हाँ, सहराय सीना की शिकस्त से ये मत समझा जाए कि यहाँ सारी मिस्री फौज मारी गई या गिरफ्तार हो गई।
जिन दो रास्तों को इसराइली फौज ने ब्लॉक किया था उनके अलावा भी कुछ रास्ते थे जहां से ज्यादातर मिस्री फौजी फरार होकर नहर स्वेज तक पहुंच गए थे, जहां उन्हें फिर कश्तियों के जरिए मगरबी किनारे पर मेनलैंड मिस्र में मुंतकिल कर दिया गया था। तहम इन बच निकलने वालों में भी कई वो थे जो जान बचाने के लिए कई रोज तक पैदल चलकर नहर स्वेज तक पहुंचे थे। ये सिपाही भूख और प्यास से निढाल हो चुके थे। इन्हीं में कुछ ऐसे भी थे जो नहर स्वेज तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन वो भूख के प्यासे भरने के बजाय सहरा सीना में इसराइली पोजीशंस की तरफ चले गए थे, ताकि इसराइली पोजीशन में उनके कैंप्स में जाकर कुछ खा पी सकें, गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन भूखे प्यासे मरने से बच जाएं। कहते हैं कि इसराइलियों के पास इतने मिस्री जंगी कैदी जमा हो गए थे कि इन सब की निगरानी एक मसला बन गया था। चुनाचे यहूदी फौजियों ने बहुत बड़ी तादाद में जंगी कैदियों को, जिनकी वो हिफाजत नहीं कर सकते थे, उन्हें खुद नहर स्वेज की जानिब धकेल दिया। 6 जून को मिस्री फौज को वापसी का ऑर्डर मिला था। अगले रोज 7 जून को इसराइली नेवी ने इलाद की बंदरगाह से आगे बढ़ते हुए मिस्र की अहम बंदरगाह शर्मुशेख पर भी कब्जा कर लिया। इसके अगले रोज 8 जून को मिस्र ने अकौम मुतहदा UNO की अपील पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। तहम इसराइली फौज फिर भी नहीं रुकी। 9 जून को इसराइली फौज नहर स्वेज के मशरकी किनारे तक पहुंच गई थी। मिस्री फौज मशरकी किनारा छोड़कर मगरबी किनारे के साथ दूसरी तरफ पोजीशंस ले चुकी थी, ताकि इसराइली फोर्सेस मेनलैंड मिस्र पर हमला ना कर सकें। इसराइलियों ने खाली मशरकी किनारे पर बगैर किसी लड़ाई के ही कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने मजीद पेशकदमी नहीं की। इस कामयाबी के साथ इसराइली फौज का मिस्र के सहराए सीना में मिशन मुकम्मल हो चुका था। लेकिन दोस्तों, इस जंग में अरबों के लिए मिस्र की शिकस्त से भी बड़ी एक और ट्रेजेडी हो चुकी थी। ये साथियों, आप अरब इसराइल जंगों की पहली किस्त में जान चुके हैं कि फलस्तीन का वेस्ट बैंक उर्दन के कंट्रोल में था। इससे मुंसलिक बैतुल मकदस, जो यरूशलम का ओल्ड सिटी भी कहलाता है, वो भी उर्दन ही के हाथ में था। यहीं पर दीवारें गिरिया वेलिंग वॉल भी थी, जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी या टेम्पल ऑफ सोलोमन का हिस्सा समझते थे। वो इस दीवार का विजिट किया करते थे और यहाँ आकर रोया करते थे। तो उर्दन ने यह किया था कि बैतुल मकदस में यहूदियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन 6 रोज़ा जंग ने इस सूरत हाल को बदल दिया। वो इस तरह कि जंग के पहले ही रोज़ यानी 5 जून को इस शहर के लिए लड़ाई शुरू हो गई। आप जान चुके हैं कि उर्दन इसराइल के साथ जंग लड़ने वाले अरब इत्तेहाद का हिस्सा था। तहम इसराइली हुकूमत कई महाज़ों पर जंग के बजाय सिर्फ एक मिस्र पर हमला करना चाहती थी। इसलिए जंग से पहले उन्होंने उर्दन को ये पैगाम भेजा था कि अगर आप जंग से बाहर रहें तो हम भी आप पर हमलावर नहीं होंगे। लेकिन मसला यह था कि अरब मुल्क उर्दन जंग में मिस्र का साथ देने की कमिटमेंट कर चुका था। उसे यह भी उम्मीद थी कि इराक, सऊदी अरब और शाम अपनी कुछ फौजें हमारे यहाँ यानी उर्दन में तैनात कर देंगे, ताकि इसराइल की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हो तो मुकाबला किया जा सके। 600 मिस्री कमांडोज भी उर्दन के जेरे कंट्रोल मगरबी किनारे में तैनात कर दिए गए थे। फिर यूं भी हुआ कि मिस्र ने पहले रोज उर्दन को यह गलत इतला भेजी कि हमने इसराइली एयरफोर्स का हमला नाकाम बना दिया है। इस फेक न्यूज से उर्दन का हौसला बढ़ गया, वो पुरजोश हो गए और उन्होंने वादे के मुताबिक इसराइल के खिलाफ महाज खोल दिया। उर्दन के तोपखाने ने बैतुल मक्दस के इर्द गिर्द के इलाकों और अपने कंट्रोल वाले मगरबी किनारे वेस्ट बैंक से इसराइल पर बमबारी शुरू कर दी। मगरबी यरूशलम और तलबेब के करीब बहुत से गोले गिरे, जिनसे कुछ जानी और माली नुकसान भी हुए। उर्दन के तैयारों ने भी इसराइल पर हमले किए। इस पर इसराइली फोर्सेस हरकत में आ गई। आप वीडियो के शुरू में जान चुके हैं कि इसराइली फिजाइया ने उर्दन की एयरफोर्स के तमाम 28 तैयारे तबाह कर दिए थे। तो एयरफोर्स के इस खात्मे के बाद अब उर्दन के पास सिर्फ ज़मीनी जंग की ऑप्शन थी। ज़मीनी जंग में भी पहल उर्दन की तरफ से हुई। इसकी फोर्सेज ने मगरबी यरूशलम बैतुल मक़दस की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, जिसे इसराइलियों ने नाकाम बना दिया। अब इसराइलियों ने यह किया कि एक तरफ कई जगहों से मगरबी किनारे में फौज दाखिल कर दी, दूसरा ये कि बैतुल मक़दस को घेरना शुरू कर दिया। शहर के मगरब में वेस्ट यरूशलम की साइड पर पहले ही उनकी फौज मौजूद थी। फिर उन्होंने शहर के शुमाली और जनूबी सिमतों से भी आगे बढ़ना शुरू किया। वो शहर की मशरकी सिमत में पहुंचकर इसे पूरी तरह घेरना चाहते थे, लेकिन शुमाली साइड पर उर्दन का एक मजबूत फौजी अड्डा एमुनेशन हिल था। दोस्तों, इसे एमुनेशन हिल इसलिए कहते थे कि यहाँ ब्रिटिश कंट्रोल के दौरान बरतानवी फौज का एक असलहा एमुनेशन डिपो हुआ करता था। यहाँ चंद कमरे भी बने हुए थे और एक बड़ी खंदक भी खुदी हुई थी, जिसकी दीवारें पत्थर से बनाई गई थी। ये बड़ी मजबूत दिफाई पोजीशन थी और इसे तोड़ना इसराइलियों के लिए बहुत ज़रूरी था।
चुनाचे 500 इसराइली फौजियों ने टैंकों के साथ इस पर हमला कर दिया। उस वक्त शाम हो चुकी थी। उर्दन के फौजियों ने रात भर इसराइलियों का डटकर मुकाबला किया। अगली सुबह तक इसराइली टैंक उर्दनी फोर्सेस के मोर्चों के बिल्कुल सामने पहुंच चुके थे और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हें उड़ा रहे थे। इस दौरान जवाबी फायरिंग से एक इसराइली टैंक भी तबाह हुआ, जिसे यादगार के तौर पर इसराइल ने दूसरी गाड़ियों के साथ इसी मुकाम पर आज तक महफूज रखा हुआ है। आखिरकार इसराइली फोर्सेज एमिनेशन हिल पर साथियों को कब्जा करने में कामयाब हो ही गई। इस लड़ाई और इसकी करीबी पोजीशंस की लड़ाई में उर्दन के 106 सोल्जर्स मारे गए थे, जबकि इसराइल के 37 फौजी हलाक हुए और 150 जख्मी हुए। एमिनेशन हिल पर उर्दन के मोर्चों को भी आज तक इसराइल में यादगार के तौर पर उसी टैंक की तरह महफूज रखा गया है। साथियों, एमिनेशन हिल 6-डे वॉर की वो वाहिद लड़ाई थी जिसमें उर्दनी फोर्सेज ने इसराइलियों को इंतहाई टफ टाइम दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हर महाज पर शिकस्त बहरहाल हो रही थी। मगरबी किनारे में 2 रोज यानी 5 और 6 जून की लड़ाई के दौरान उर्दन की फौज बेपनाह जानी और माली नुकसान उठा चुकी थी। 6 और 7 जून की दरमियानी रात इसके तमाम फौजी हाई कमान के ऑर्डर के बगैर ही दरिया उर्दन अबूर करके अपने मुल्क में वापस चले गए और पूरा मगरबी किनारा वेस्ट बैंक इसराइल के कब्जे में आ गया। इसके अलावा मिस्र के जो 600 कमांडोज मगरबी किनारे वेस्ट बैंक में मौजूद थे, उन्होंने भी इसराइल का बॉर्डर क्रॉस करके कुछ एयर बेसिस पर हमले की कोशिशें की थीं। तहम इसराइली फोर्सेज ने इन्हें अपने टारगेट्स तक पहुंचने से पहले ही घेर लिया। इन कमांडोज ने खेतों में पोजीशन ले ली। इसराइलियों ने इनको ढूंढने के बजाय खेतों को आग लगा दी। इस आग और इसराइलियों की फायरिंग से सैकड़ों कमांडोज मारे गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। महज 150 कमांडोज बचकर उर्दन पहुंच सके थे। 7 जून को यानी जंग के 3रे रोज तक इसराइली फोर्सेज ने अपने प्लान के मुताबिक बैतुल मकदस को भी चारों तरफ से घेर लिया था। इस शहर से भी उर्दन के ज्यादातर फौजी फरार हो चुके थे। जो थोड़े बहुत रह गए थे वो असलहे और पानी की कमी का शिकार थे। 7 जून की सुबह 9:50 पर इसराइली फौजी मस्जिद अक्सा के अहाते के करीब वाकया लाइन्स गेट से ओल्ड सिटी में दाखिल हो गए, यानी बैतुल मक़द्दस में। उन्होंने मस्जिद अक्सा समेत तमाम अहम मुकामात पर कब्जा कर लिया। ये मशहूर ज़माना तस्वीर जो आपके सामने है, इसमें इसराइली फौजी दीवार गिरिया के पास खड़े हैं। यह तस्वीर बैतुल मक़द्दस पर यहूदी कब्जे के वक्त ही बनाई गई थी। यूं बैतुल मक़द्दस जो 1917 में उस्मानियों के हाथ से निकला था और 48 में मुसलमानों को वापस मिला था, वो एक बार फिर उनके हाथ से चला गया। इसी रोज़ यानी 7 जून को उर्दन ने भी सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। इराक और सऊदी अरब ने अपने वादे के मुताबिक उर्दन में अपनी कुछ फोर्सेज जो भेजना थी वो भेजी, लेकिन जब तक ये फौजें पहुँची जंग ख़त्म हो चुकी थी। साथियों, मिस्र और उर्दन 8 जून तक बारी बारी इसराइल के हाथों नॉकआउट हो चुके थे, लेकिन इनका एक इत्तेहादी शाम सीरिया अभी तक डटा हुआ था। शामी फौज सीरियन आर्मी ने गोलान हाइट्स की पहाड़ियों में पोजीशन ले रखी थी। इस शामी इलाके यानी गोलान हाइट्स पर इसराइली हमला 9 जून को दिन 11 बजे शुरू होता है। सबसे पहले इसराइली इंजीनियर्स ने सीरियंस की बिछाई हुई माइंस को क्लियर किया। इसके बाद 8 बुलडोजर्स आगे बढ़े, जो कि रास्तों को हमवार करते हुए टैंकों के लिए रास्ता बनाने लगे और टैंक आगे बढ़ने लगे। शामी फोर्सेस ने इन बुलडोजर्स पर फायरिंग की और 5 को तबाह कर दिया। ताहम 3 बुलडोजर इनकी इब्तदाई पोजीशंस तक यानी सीरियन पोजीशंस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इसके बाद ये इसराइली फौजें गोलान हाइट्स में फैल गईं। मिस्र और उर्दन की तरह शाम की मुजाहमत भी महज 2 रोज ही जारी रह सकी। 9 और 10 जून के दौरान गोलान हाइट्स का ज़्यादातर इलाका इसराइल के कब्जे में जा चुका था। 10 जून की शाम 6 बजे इसराइल ने सीज फायर कर दिया और ये जंग ख़त्म हो गई। ये लड़ाई साथियों इसराइलियों की बहुत बड़ी फतह थी। उसका क्रेडिट ज़ेरे दिफा मोशे दयान को जाता था, क्योंकि उनकी कमान में ये फतह हासिल की गई थी। तो यहूदी हुकूमत ने इस जंग का नाम रखने का हक भी उन्हें दे दिया। मोशे दयान ने इस जंग को 6 रोज़ा जंग 6-डे वॉर का नाम दिया। वैसे तो इस नाम की वजह यह थी कि ये जंग 6 दिन में मुकम्मल हुई थी, लेकिन इसके पीछे एक मजहबी वजह भी थी। दरअसल यहूदी अकीदे के मुताबिक खुदा ने कायनात को 6 रोज़ में बनाया था, तो मोशे दयान ने यह 6-डे वॉर का नाम दरअसल मजहबी मुनासबत से रखा था। माइक्यूरस फेलोज तीसरी अरब इसराइल जंग 5 से 10 जून 1967 तक जारी रही थी। इस लड़ाई में मिस्र के तकरीबन 10 से 15 हज़ार, उर्दन के 700 और शाम के 450 सोल्जर्स मारे गए थे। 5,000 मिस्री फौजियों समेत तकरीबन 6,000 अरब फौजी कैदी बना लिए गए थे।
इसके मुकाबले में इसराइल के 679 फौजी हलाक हुए थे जबकि 2500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। दोस्तों ये जानी नुकसान इसराइल के अपने अंदाज़ों से बहुत ही कम था। आपको हम शुरू में बता चुके हैं कि इसराइल ने तो 10,000 कब्रें अपने यहाँ खोद ली थी और अस्पतालों में 14,000 जख्मियों के लिए बेड्स भी तैयार कर लिए थे, लेकिन ज़्यादातर ये बिस्तर खाली रहे और खुदी हुई कब्रों को लाशों के बजाय ज़्यादातर मट्टी से भरना पड़ा। इस जंग में अरब एयरफोर्स के 469 तैयारे तबाह हुए जबकि इसराइल को सिर्फ 40 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों यहाँ आपको इस जंग के बारे में एक अहम बात भी बताते चलें कि इस जंग के साथ एक ऐसी रिपोर्ट भी जुड़ी है कि 6 रोज़ा जंग के वक्त इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद थे। कहा जाता है कि जंग शुरू करने से पहले इसराइलियों को ये खदशा था कि कहीं हम जीतने के बजाय हार ही ना जाएं, यानी कामयाबी की जगह शिकस्त का मुँह ना देखना पड़े। तो अगर ये मुँह देखना पड़े तो उन्होंने प्लान बी के तौर पर एटमी धमाके का प्लान बना रखा था। यहूदियों का मंसूबा ये था कि अगर उन्हें शिकस्त होगी तो सहराए सीना में किसी पहाड़ी पर एक एटमी धमाका करके अरबों को खौफजदा कर देंगे, यानी उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। इस हवाले से तमाम इंतजाम कर लिए गए थे, लेकिन हुआ ये कि इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई और मिस्री फ़ौज ने जगह जगह हथियार डाल दिए या भाग खड़े हुए। अब इस वाक्य में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता। ताहम आज इसराइल के पास वाकई एटमी हथियार मौजूद हैं और ये एक खुला राज है। मैक्यूरस फेलोज, इसराइल ने 6 रोज़ा जंग में सहराए सीना, नहर स्वेज़ का मशरकी किनारा, गजा की पट्टी, बैतुल मकदस, मगरबी किनारा और शाम की गोलान हाइट्स को कब्जे में ले लिया था। ये 4000 साल यहूदी तारीख की अरबों के खिलाफ सबसे बड़ी फतह थी। अरब इसराइलियों के हाथों इस शिकस्त पर तिल मिला रहे थे। इस जंग के नतीजे में मजीद कई लाख फलस्तीनी मगरबी किनारे से उर्दन की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे। इसके अलावा गोलान हाइट्स से 95,000 तकरीबन 1,00,000 के करीब शामियों को भी इसराइल ने निकाल दिया और वो नीचे दमिश्क की तरफ चले गए। अरब चाहते थे कि वो इस शिकस्त का बदला लें, लेकिन इसके लिए उन्हें नई लीडरशिप और बेहतरीन फौज की ज़रूरत थी। फिर क्या हुआ कि जल्द ही इन्हें 2 ऐसे नए लीडर्स मिल गए और इसराइल के खिलाफ 4थी अरब इसराइल जंग की तैयारियाँ शुरू हो गईं। इन 2 लीडर्स और 4थी अरब इसराइल जंग की कहानी दोस्तों आपको इस सिलसिले की अगली वीडियो में दिखाएंगे, ज़रूर देखिएगा। अरब इसराइल जंगों का आगाज़ कैसे हुआ और इसराइल को इस खित्ते में कदम जमाने का मौका कैसे मिला, ये सब आप इस प्लेलिस्ट में जान सकते हैं। यहाँ देखिए कि रॉथ चाइल्ड्स कौन थे और ये रही शाह फैसल की मुकम्मल बायोग्राफी।